जो लोगों को चिंता हो रही है सत्ता से बाहर जाने का, उनको 24 की चिंता। सब लोग सब दिन रहते हैं अब भीतर से हमारे पार्टी में, कि सब लोग सब दिन रहते हैं अब भीतर से हमारे पार्टी में सब लोगों की इच्छा थी। आपको मालूम है दूसरे राज्यों के लोग आए जो हमारी पार्टी को और अन्य राज्यों में मत, सब जगह के लोग आकर के, सर ये क्या अमित शाह के इशारे पे हो रहा था ये सब है? ये सब जो छुटभैये नेता थे, सेकंड रंग लीडर, अमित शाह के इशारे पे आपको तंग कर रहे थे? अमित शाह क्या कर रहे थे वो जो था, अब उसके इशारे पर जो थे, अब एक के बारे में तो बताए ना, आप दोनों लोग यहाँ पे आए थे इनके यहाँ, आज सब कुछ हुआ तो वो जिसके चक्कर में है ना। हम लोग को सुनने में आया कि तेजस्वी यादव को भूपेंद्र यादव जी फोन कर रहे थे परसों लगातार कि भाई आप मत जाइए नीतीश जी के साथ। तेजस्वी जी क्या ये सही है? दोनों लोग हैं, तेजस्वी जी यथाशीघ्र, तेजस्वी जी क्या ये सही है? सब अपने पास क्या ये सही है कि भूपेंद्र यादव जी का फोन आ रहा था? एक बात समझ ली, हम लोग के नेता, महागठबंधन के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी है और हम लोग मजबूती के साथ नीतीश कुमार जी के साथ खड़े हैं। जो लोगों को चिंता हो रही है कई बार सत्ता से बाहर जाने का, उनको 24 की चिंता है। अच्छा सर, ये स्पीकर साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए। अभी आप ना कहिएगा सलाह, आप लोग इतने बड़े हैं तब क्या स्पीकर साहब को इस्तीफा देना चाहिए? नंबर तो नहीं है, अब जो मन करे। वो बोल रहे हैं कि अभी हम बने रहेंगे। अच्छा अब आप ही जो लीजिए, नियम देख लीजिए, कानून देख लीजिए, आज जिसके समर्थन से आ गए अब वो सब अलग हो गया, किसी के मन में कुछ सोच रहा है। हम लोग के चक्कर में हड्डी टूटा जाएगा हम लोग का। गृह विभाग आपके पास रहेगा, गृह विभाग किसके पास रहेगा? अच्छा आपको क्या जरूरत है? सही बात क्या है? एकदम बिल्कुल बोगस बात है, आप लोग जानते नहीं, आप लोग नहीं पूछे हमसे, राष्ट्रपति वाला भी कौन ऐसे कर रहे हैं? एकदम बोगस बात, हमारी कोई इच्छा नहीं। भाई लोग भूल गए क्या, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के दोनों के चुनाव में हम लोगों की पार्टी ने कितना सपोर्ट किया, और वही तो वेट कर रहे थे। जिस दिन खत्म हो गया उसके बाद हम लोग पार्टी का मीटिंग किया, इसलिए सब बोलते रहते हैं। अरे बेचारे आप बोल रहे हैं, आप जानते ही हैं, उनको तो कुछ बनाया नहीं, आजकल बोल रहे हैं तो जो लोग भी बोल रहे हैं वो अच्छा है, वो इतना बोले मेरे खिलाफ कि उनको फिर जगह मिल जाए। उन लोगों के लिए हमको कुछ नहीं कहना, कुछ उनको जगह मिल जाए, पार्टी से तो सब कुछ जगह दिया जी, पहले हुआ करते थे वो नहीं थे इसीलिए गठबंधन टूट गया क्या? अरे क्या बात करते हैं, ये लोग किस तरह से काम किए हैं। हम चाहते थे बनना, हम तो बनना भी नहीं चाहते थे, पिछली बार कल भी कह दिए हैं, लेकिन जिस तरह से सारा काम होता रहा और जिस जिस ढंग की बात होती रही और जिस ढंग के दृश्य आते रहे, ये तो बहुत ठीक नहीं ना था। अरे स्पीकर साहब बोलिए ना, इनकी सब छोड़ करके चले गए बिना मतलब, और उसके बाद फिर जो करके, तो फिर हम लोग अब साथ आ गए, सब मिल करके काम करेंगे। उनको अगर कोई सपना है तो अपना उसको पूरा करने के लिए जो मन में आवे करे, हम लोग जान लीजिए पूरी मजबूती के साथ बिहार के सभी लोग जो विपक्ष के हैं, हम लोग सब कोशिश करेंगे मिल करके एकजुट होकर के आगे बढ़ने का, इसकी चिंता मत करिए। आज जिनको जो मन में आता है, देखिए जो पावर में है, अब पूरा का पूरा आजकल का सारा एक एक चीज पर अधिकार है, तो अपना जितना प्रचार करते ना उसे क्या मतलब? सरकार है कि पीएफआई पे कार्रवाई हुई इसीलिए गठबंधन टूट गया, पीएफआई पे कार्रवाई हुई, छोड़िए ना ये सब फालतू चीज है, बिना मतलब की बात है। अब क्या हुआ था, हम लोगों का कोई था, हमारे पार्टी का आप समझ लीजिए मैक्सिमम आदमी की कोई इच्छा नहीं थी, और अब जिस तरह से हराया गया था, हम लोगों का लोग उनको जिताने में मदद करते, कल ही कह चुके हैं, इसलिए सब बेकार चीज सोच रहे हैं।